वो आया और अपनी प्रस्तुति दी। मेरा नाम प्रदीप है, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कॉलोनी गंज पंतोरा है। आज मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर कुछ एक छोटा सा वाक्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरु के बिना कोई आशय, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं है। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु देता है ज्ञान। आदरणीय शिक्षक आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं एक छोटा सा भाषा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 7 सितंबर है। इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे और वह अपने छात्रों के कहने पर देश के राष्ट्रपति भी बने। यह सच कहा गया है कि शिक्षक एक सभ्य समाज का आधार होता है। शिक्षक छात्रों को सही दिशा दिखाते हैं और उनके व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। शिक्षक के बारे में यह भी सही कहा गया है कि शिक्षक एक माता पिता से भी महान होता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, जबकि एक शिक्षक सही उनको सही व्यक्तित्व के साथ साथ उनके भविष्य भी उज्जवल करते हैं। इसलिए हमें अपने शिक्षक को कभी नहीं भूलना चाहिए। अंत में मैं अपने शिक्षकों के लिए एक पंक्ति बोलना चाहूंगा। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जमीन से आसमान तक पहुँचाने में रखते।